नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ खुशी। अब फिर से बिहार में स्कूल बच्चों की बसेस नजर आएंगी, उसके साथ ही शाम को आप कोचिंग के पास दोबारा वही चहल पहल भी देखने को आपको मिलेगी। जी हां, आपको बताएं कि 7 अगस्त यानी आज से ही स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने की इजाज़त सरकार की ओर से मिल गई है, जिसके बाद अब बच्चे स्कूल जा सकेंगे, कोचिंग भी जा सकेंगे जहाँ वो पढ़ाई करते हैं, जो बहुत ही अहम हिस्सा है ज़िंदगी का। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि वो स्कूल और कोचिंग तो जा सकेंगे, लेकिन काफ़ी ऐसी रिस्ट्रिक्शन हैं जो सरकार ने लगाई हैं, जिसमें यह है कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो एक कक्षा में सिर्फ 50% बच्चों को बैठने की इजाज़त दी गई है। इसका मतलब है कि ऑल्टरनेट के हिसाब से आप स्कूल जा सकेंगे। इसके साथ अगर आप स्कूल बस का उपयोग करते हैं तो स्कूल बस में भी एक सीट को छोड़कर ही बच्चे को बैठाने की इजाज़त दी गई है। अगर ऐसा नहीं करते हैं और ऐसा करते पाए जाते हैं तो उस पर सख्त स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी। ये सारे नियमों के साथ ही स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। सबसे पहले आपको स्कूल की क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन है वो सबसे अवगत कराते हैं। जैसे कि बस हो गया, बस में आप एक सीट को छोड़कर ही बैठ सकते हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि अगर ऐसा करने में बसों की संख्या कम होती है तो स्कूल वालों को बसों की संख्या बढ़ानी होगी, तभी बच्चे स्कूल जा सकेंगे। इसके साथ ही बस में बैठने से पहले मास्क लगाना अनिवार्य होगा, जिसके साथ ड्राइवर और कंडक्टर को भी मास्क लगाना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्कूल में जितने बच्चे जाते हैं सबकी थर्मल स्क्रीनिंग होनी ज़रूरी है, साथ ही टाइम टू टाइम कोरोना टेस्ट भी होना ज़रूरी है, जिसके बाद ही आप स्कूल जा सकेंगे। अब हम बात करते हैं कोचिंग सेंटर्स की। जी हाँ, कोचिंग सेंटर्स को भी खोल देने की इजाज़त दी गई है, लेकिन इसके बाद भी कोचिंग संस्थान में भी 50% ही बच्चों को बैठने की इजाज़त है। इसके साथ ही कहा गया है कि एक एक सीट छोड़कर ही आप बैठ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते पाए जाते हैं तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप कोचिंग संस्थान वैन या फिर किसी प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं तो उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितना डिस्टेंस कवर करने की बात की गई है आप उसको फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ ही मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि कोरोना जो है वो गया नहीं है, बस अब उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है, लेकिन वो अब भी हमारे साथ है। ये ना भूलें कि कुछ थोड़े दिन पहले की ही बात है जब कोरोना का कहर दोबारा से आ गया था, उसके बीच में ही तीसरी लहर की भी बात की जा रही है। इसी बीच में ये कह देना कि कोरोना का खौफ खत्म हो गया है, ये बिल्कुल एकदम से सही बिल्कुल नहीं होगा। इसके साथ ही इसमें हमने NBC की टीम ने लोगों की प्रतिक्रिया भी इसमें दी, तो इसमें लोगों की भी मिली जुली सी राय है। कुछ लोगों का कहना है कि स्कूल खुलना, कोचिंग संस्थान खुलना सही है, तो साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि ये गलत निर्णय है। लेकिन आप और हम ये सभी जानते हैं कि शिक्षा कितनी अनिवार्य चीज़ है। इसके बाद सरकार को ये निर्णय लेना ही पड़ा, जिसके बाद उन्होंने स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलना ज़रूरी समझा। इसके साथ ही कई नियम हैं, जैसे सरकारी स्कूलों के लिए ये नियम है जहाँ पे मिड डे मील दी जाती थी, जिसके तहत बच्चों को खाना दिया जाता था, लेकिन क्योंकि कोरोना अभी चल रहा है और इसी बीच इस महामारी के बीच अब ये नियम है कि अगर आप सरकारी स्कूल के बच्चे हैं तो आपको वहाँ पर मिड डे मील अभी जब तक आदेश नहीं आता तब तक वो चीज़ रोक दी गई है, क्योंकि मिड डे मील में भी एक साथ काफ़ी भीड़ इकट्ठी होती है, जिससे लोगों को संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पर भी ये नियम लागू किया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर काफ़ी नियम बनाए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही जिस तरीके से एक स्लोगन है कि 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, इसको ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि कोरोना, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है, हाँ बस रफ्तार धीमी हो गई है। अगर हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो कुछ ही दिन में हमें इस सारी चीज़ों से निजात ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी इस बात का ध्यान दें कि मास्क ज़रूर लगाएं, और अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूर बताएं। देखते रहें NBC 24, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे विजिट कर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।